मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। एक आपका क्या संदेश रहेगा जो 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं सर पुष्प की अभिलाषा के, आप क्या कहेंगे दर्शकों? पुष्प की अभिलाषा हमें बताता है कि किस तरीके से एक पत्रकार को, साहित्यकार को समाज और राष्ट्र से सरोकार रखना चाहिए। उनका पत्रकारिता मात्र आलोचना की पत्रकारिता नहीं थी। दादा की जो पत्रकारिता है, दादा जिन्हें हम कहते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी पत्रकारिता सिर्फ सरकार की आलोचना करना ही नहीं था। उनकी पत्रकारिता सिर्फ गलतियां ढूंढ के निकालना नहीं था। उनकी पत्रकारिता थी कि स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरीके से लगे हुए देशवासियों को प्रेरित करना, पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से बताना कि राष्ट्र के लिए समर्पण कितना आवश्यक है, ये भी था। तो पत्रकार को समाज को सिर्फ सूचित और शिक्षित करना ही नहीं है, उसका कर्तव्य समाज को प्रेरित करना भी है। बहुत सारे बड़े साहित्यकार रहे हैं और उसी तरीके से साहित्य का एक समाहक रहा है पत्रकारिता। तो वो एक अटूट बंधन है पत्रकारिता और साहित्य का। और मैं समझता हूं कि पत्रकारिता को जो है साहित्य को बढ़ावा मिलना चाहिए, और साहित्य में वो हम कहते हैं जर्नलिज्म इज लिटरेचर इन हरी, ये हम कहते हैं। जो जल्दबाजी में जो लिखा साहित्य है उसे पत्रकारिता कहते हैं। सही बात है सर, बिल्कुल सही। तो दोनों में एक अटूट संबंध है, गहरा संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, माँ बेटी का संबंध है। तो साहित्य जिस छात्र ने पढ़ लिया, विद्यार्थी जो, उसको भाषा में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।